कौन है भाई? हाँ आ जाओ, आओ आओ। अरे भाई पहले बैठो, कौन हो आप? नमस्कार सर। नमस्ते 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 नमस्ते, बैठिए अपना परिचय। हाँ अपना परिचय दो भाई, क्या मतलब क्या करने आए हो और मतलब कहाँ से आए हो, सब कुछ बताओ। हम सुने हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा क्रिकेट क्लब होता है। हाँ। और आज हम एक देवी गीत लेकर आए हैं, जो नवरात्र आ गई है ना, इसीलिए सोचे कि गाते हैं, एक देवी गीत गाकर आते हैं। वैसे फर्स्ट बार आए हैं ना स्टूडियो में, तो थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा अच्छा से लगाइएगा। सुने हैं कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट करवाते हैं। देखिए मैं रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं करवाता हूँ, अगर आप अच्छा गाएंगे तो अच्छा होगा, आप पूरा गाएंगे तो मैं मतलब आपके गले में घुस के तो अच्छा नहीं गवा सकता। आपका मतलब सबसे बड़ा आप हैं, अगर आप अच्छा गाएंगे तो अच्छा होगा। आप गाना वाना लिख के लाए हो या मतलब? जी जी है। ओके फिर ठीक है, तो गाना कैसा है, क्या है गाना, गाना का मेटर क्या है बताया। मैं गुनगुना कर चली कैसे जल गोरे मैया, छोरी के हमारी के गां। बहुत अच्छा, चलिए एक बार हम ट्रैक लगाते हैं, उसपे थोड़ा गुनगुना लगाइए। मैं थोड़ा गुनगुनाता हूँ, गुनगुना कर आपको सुनाता हूँ। क्या कर रहे हैं सर? अरे मैं ट्रैक लगाता हूँ, उसके बाद आपको उस पे गाना है, अच्छे तरह से गाइएगा। ओके ठीक है ठीक है, थोड़ा अच्छा से लगाइएगा सर, बहुत जगह देखा हूँ यूट्यूब में अच्छा अच्छा से नहीं गवाते हैं। अरे आप टेंशन मत लीजिए, पहले यहाँ एक बार गाइए तो। बहुत अच्छा गा रहे, ठीक है ना सर? एकदम मस्त। मैं जरा आपको एक मिनट मिला लेता हूँ, फिर उसके बाद। आपका स्वर तो बहुत अच्छा है, बहुत काफी रियाज की हो। जी जी फर्स्ट बार आए हैं स्टूडियो में, थोड़ा डर भी लग रहा है इसलिए। नहीं नहीं डरना नहीं, कोई डरने की मतलब बात नहीं है, हर कोई गा सकता है आजकल स्टूडियो में। आवाज कम आ रहा है अब। हेलो अब गुड, बताते रहो। अरे सर हम क्या बताएंगे, मालूम ही नहीं है इसके बारे में। अभी मतलब आप बोल रहे हैं आपको फील हो रहा है तो सर हम इसी माइक से गाएंगे। अरे है ना माइक, अरे ये बहुत महंगा माइक है, ये तो हम कहते हैं बहुत जगह पे माइक चलाते हैं, इसी माइक से गाते हैं। वो डायनामाइक माइक, उससे तो गाना इससे थोड़ी होता है, गाना इससे नहीं गाया जाता है, गाना कंडेंसर माइक से होता है। यही है कंडेंसर माइक। हाँ ये कंडेंसर माइक और ये आपका डायनामाइक। चलिए अच्छा है, लगाइए लगाइए। तो हम तैयारी हो जाए क्या? हाँ आप एकदम रेडी रहिए। चलिए ये लगा लीजिए। ये क्या है, ये लगा कर क्या करेंगे? वो आपको गाना उसी में आएगा, म्यूजिक उसी में आएगा। अच्छा मॉनिटर का काम करेगा वो। चलिए ठीक है, कैसे गाएंगे? अरे कैसे, जैसे इसमें गाए थे वैसे उसमें गाएंगे।
हेलो हेलो बहुत अच्छा। चलिए एक बार आप थोड़ा सा रिकॉर्ड करके देखिए। सर आप तो कैमरा लगा कर रखे हैं। अरे भाई लगाना पड़ता है ना, मतलब हमारे में कुछ सब्सक्राइबर फैमिली है ना, तो उन्हें दिखाना पड़ता है थोड़ा बहुत। अच्छा चलिए ठीक है। तो अरे तो गिर रहा है सर। अरे उसे वो गिर नहीं रहा है, उसे छू मत, तो ऐसा ही जैसा सीख है उसी पे। हेलो 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 हेलो। अरे रुको भाई। अरे अरे हम तो सोचे स्टार्ट हो गया। नहीं चलिए अब स्टार्ट। चली कैसे गए हुए मैया चोरी के हमारी के काम। अरे थोड़ा थोड़ा फील फील लाओ फील। अरे इसे कैसे फिर खरीद कर कहाँ से लाएंगे फील सर। खरीद के फील आता है, गाने में फील लाओ, थोड़ा शब्द को रोक के गाओ, ठहराव के साथ। सर एक बार आप गा कर सुनाइए तो कैसे फील लाता है। मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए ऐसे गाता गाना गाना ठीक है ना सर। बहुत ही अच्छा गाया है।
चलिए थोड़ा सुनाइए सर। हाँ सुनाते हैं। चलिए अब दूसरा पाठ गाते हैं। चलिए आइए अंतरा में आइए। सर अंतरा पाठ कैसे है थोड़ा बताएंगे सर? अंतरा पाठ कैसे है? हमारे तो लिखा है लेकिन नश भइल धरती अत्याचार के ननाप हो, ऐसा है ना सर? नाश भइल धरती अत्याचार के ननाप हो, ऐसा है? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा बताएंगे तब ना। हेलो जी जी, मैं बताता हूँ। अंदरे में कुछ इस तरह का है, नाश भइल धरती अत्याचार के ननाप हो, नष्ट करी पापियों के पाप हो। अच्छा ठीक है सर। थोड़ा ठहराव के साथ जाइए। जी ठीक है, ओके। चलिए चलिए सर स्टार्ट कीजिए। अरे हम भूल जाते हैं सर, क्या करें? आप उसको देख देख के गाइए। अरे सर हम सुनते हैं, याद है याद है, लेकिन भूल जाते हैं सर। ज्यादा लंबा सुनाई मुझे। नाश भई धरती अत्याचार के ननाप हो, अंत करी पापियों के पाप हो। क्या हुआ गाइए? बुला जाते हैं सर, क्या करें? हाँ चलिए देखिए, आदमी से आदमी ही अब डर जाता हो। वहां तक फिर दोबारा नहीं है? नहीं, इसको एक बार ये दोनों मतलब एक बार ये सब चार हो जाएगा, चार लाइन एक बार में, फिर नेक्स्ट बार में। ठीक है सर, सॉरी सॉरी सर, अरे हम कभी आए हैं नहीं है ना, इसीलिए ऐसा हो जाता है। चलिए लीजिएगा। नाच भई धरती अत्याचार के ननाप हो, अंत करी पापियों के पाप हो। आदमी से आदमी ही अब डर जाला हो, कर्ज से ओ भाई मैया आप हो। ठीक है सर, बहुत ही अच्छा। चलिए चलिए चलिए, इसको हम दो बार ले लेते हैं। जी ठीक है, और आप नेक्स्ट पार्ट गाइए। जी सर, एक काम करते ना, इसमें आप भी मिक्स करके गा दीजिए। हाँ चलिए ठीक है। ठीक है, आप अपना गा लीजिएगा बाद में, और अभी फिलहाल गाने दीजिए। मेरा वाला आप पहले आप गा लो, और उसके बाद हम चले जाएंगे, तो आप फ्री में होकर अपना वाला गा लीजिएगा। ठीक है चलिए, लेकिन आप दे देंगे कितना दिन में सर? अरे हम कल आपको मिल जाएगा। पक्का? एकदम पक्का सर, बहुत फास्ट काम करते हैं यार। चलिए चलिए, नाच
लगेगा। चलिए रेडी ममता कैसा कर हो मैया तेरा बाली हो जान झुलिया भाईला बात हो गड़बड़ हो गया सर यहाँ पर झुनी आवाज एक बोल दिए ये कौन सा शब्द है झुनी आवाज उधर ध्यान चला जाता है ना तो ऐसे हो जाता है मतलब कुछ भी ध्यान कर सर ठीक है मैं फिर से कोशिश करता हूँ उसको लिरिक्स को देख के और थोड़ा ध्यान दीजिए अब नहीं होगा ऐसा नहीं होगा चलिए ममता कैसा कर हो माई तेरा पानी हो सारा बांध नहीं आ रहा सारा बांध नहीं आ रहा भूल गए चलिए ममता कैसा कर हो माई तेरा पानी हो नहीं पर हम भूल जाते हैं क्या है क्या जुलियावा भूल जाते हैं क्या करें मतलब कुछ भी कहोगे नहीं सर अब नहीं होगा आपने अब ऐसा नहीं होगा चलिए अब मैं पूरा मौजा कैमरा करते हैं मम का कैसा कर हो मैया तेरा बाली हो जन मोरे जापर चिलल बाग हो धरती तेरा हो मैया कोनो अवतार में ममता कैसा कर हो माया तेरा बाली हो जन मोरे थापर खिलल बात हो धरती तेरा हो मैया कोनो अवतार में जन जा पता को देखो त्याग हो जैसे भूपेंद्र गुणगान हो माई तुम्हारे में बसे कली कैसे गए हो ए मैया छोड़ी के हम हो गया सर लास्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बट मैं मिला कैसा उसको मिला लीजिए ना हाँ मैं मिला लूंगा कोई बात नहीं चलिए सर तो अब हाँ ये हो गया जी फाइनल जी और आप लास्ट में आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को बताइए आप जी जी थोड़ा बहुत सारा बात हो गया हाँ नमस्कार प्रणाम हम देसी भूपेंद्र जितना भी देखे वाला लोग सबके बैठ चुके प्रणाम करते हैं और आज माता रानी के बहुत सा प्यारा भजन लेके आए बानी आशा करते हैं कि अपने लोगों के बहुत अच्छा लगे और अपने लोग इंजॉय करो और गीत आप लोगों के बीच हम सुनेबे कर थोड़ा हमारे प्रताप सर है उससे कुछ बातें कीजिए सर बताइए नमस्कार प्रणाम हम प्रताप राज और आप सबके गोल लग के गोल लगा तनी गोल सुन के गोल लगा तनी ठीक है और आज हमारे भूपेंद्र भाई बहुत ही प्यारा एक भक्ति सॉन्ग गाए हैं हमारे यहाँ तो आशा करता हूँ कि आप सब गाने को सुनेंगे और बहुत सारा अपना प्यार देंगे और मेरा कहना है कि मतलब नए कलाकारों को आप लोग सुनिए मतलब जो पॉपुलर हो जाते हैं उन्हें सुनिए मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें आप मत सुनिए बट नए कलाकारों को भी सुनिए जो अच्छे गा रहे हैं अच्छा कर रहे हैं उन्हें सुनिए उन्हें मोटिवेट कीजिए प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो भी आगे बढ़े मतलब
बड़े बड़े जैसे कलाकार को आप लोग प्यार देते हैं, वैसे छोटे छोटे कलाकारों को भी प्यार दीजिए। आपके बिना मतलब कोई स्टार स्टार नहीं है। आज जो भी हैं वहाँ बड़े बड़े लोग, वो लोग पहले हम ही जैसे थे। तो आप लोग का अगर प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो हमारे भाई उनके साथ साथ मैं भी मतलब आप सबके बीच में हमेशा आता रहूंगा, अच्छे अच्छे मेटर को लेकर, अच्छे अच्छे गाने को लेकर। और मतलब इससे ज्यादा क्या कहूँ। और मैं अपना थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ, मैं कहाँ से हूँ। मेरा घर मतलब रूपंदेही है, नेपाल। और ये हमारे भाई भी नेपाल सरलाही के हैं, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। तो यही है कि आप लोग से मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाना सुनिए, लाइक कीजिए, और गलतियाँ हैं जो हमारी उसे आप लोग बताइए, मिस्टेक हमारी जो हो रही है कमेंट में बताइए, ताकि हम लोग उसे सुधारें और इम्प्रूव करें, आप सबके बीच में अच्छे अच्छे गाने लाएं। बस और क्या बोले, और क्या बोले, आप लोग से इतना ही निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। हम लोग मर जाएंगे करते करते, लेकिन आप जब तक आप सपोर्ट नहीं करते, आपके सपोर्ट के बिना हमने मर जाए, कुछ करते करते मर जाए, लेकिन कुछ न कर पाए। सही बात प्रताप साहब, सही सही। हम लोग कुछ भी कर आप लोग सपोर्ट न कर। अरे अपने लोगों के मनोरंजन के देवे के लिए, अब हम भी तो कोई बड़ा कलाकार ना है कि अपने सबके उतना, लेकिन आप सब चाहब तो धीरे धीरे जरूर कुछ कर सको। वैसे अपने लोगों से विनती करते हैं कि अपने लोग गीत के देखी, वीडियो देखी, अच्छा से गीत सुनी, अच्छा से यदि अपने लोगों के कोई कमी कमजोरी लागी, कोई त्रुटि हुई, तो हमें कमेंट करी, ताकि हम कोई अपने के कमेंट के फॉलो कर सके। और हम प्राय जैसे आप लोग जितने भी कमेंट करते हैं, हम आपको कमेंट हर एक कमेंट का जवाब देते हैं, हर एक कमेंट देखते हैं, हर एक कमेंट का जवाब देते हैं, कौन कैसा अपना फरमाइश की है उसका फरमाइश पूरा करते हैं। लेकिन आप लोग जब हम आपके लिए इतने घंटों मेहनत करते हैं, तो आप 5 मिनट मेहनत करके नहीं देख सकते। 5 मिनट या 10 मिनट देखने से आपका कोई बर्बादी नहीं होता है ना। इसलिए आपसे विनती है कि आप हमें सपोर्ट करिए। चलिए इतना कहते हुए और वीडियो को स्टॉप करते यही, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। चलिए प्रताप सर, बाय बाय, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।